नवरात्रि में कैसे करें माँ दुर्गा का पूजन। आप भी करें पूजा, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। कैसे करें माँ के नौ स्वरूपों की आराधना। माँ जगदम्बा दुर्गा देवी जो ममतामयी माँ अपने पुत्रों की इच्छा पूर्ण करती हैं, ऐसी देवी माँ का पूजन संक्षिप्त में प्रस्तुत है। प्रत्येक युग में नौ देवियाँ अलग अलग होती हैं, यह एक बृहत विषय है जिसका उल्लेख यहाँ संभव नहीं है। शीघ्र सिद्धि के लिए जप पूजन आवश्यक है, इससे भी अधिक आवश्यक है श्रद्धा और विश्वास का। कलयुग में प्रत्येक दिन की देवियाँ अलग अलग अधिष्ठात्री हैं, जिनकी साधना से कामना पूर्ति अलग अलग है, जो निम्न प्रकार से की जा सकती है। प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा। पर्वतराज हिमालय की पुत्री माता दुर्गा का प्रथम रूप है। इनकी आराधना से कई सिद्धियां प्राप्त होती हैं। प्रतिपदा को मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रै नमः की माला दुर्गा जी के चित्र के सामने यथाशक्ति जप कर घृत से हवन किया जाता है। दूसरे दिन हम माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। माता ब्रह्मचारिणी माता दुर्गा का दूसरा स्वरूप पार्वती जी का तप करते हुए हैं। इनकी साधना से सदाचार संयम तथा सर्वत्र विजय प्राप्त। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन पर इनकी साधना की जाती है। इनका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः। इस मंत्र से एक माला दुर्गा जी के चित्र के सामने यथाशक्ति जप कर घृत से हवन किया जाता है। तीसरे दिन हम प्रवेश करते हैं माता चंद्रघंटा की पूजा करके। माता चंद्रघंटा माता दुर्गा का यह तृतीय रूप है। समस्त कष्टों से मुक्ति हेतु इनकी साधना की जाती है। माता चंद्रघंटा का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः। इस मंत्र से एक माला जप करके घृत से हवन करें। चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है। यह माँ दुर्गा का चतुर्थ रूप है। चतुर्थी इनकी तिथि है। आयु वृद्धि यश बल को बढ़ाने के लिए इनकी साधना की जाती है। चतुर्थी को मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। इस मंत्र से एक माला जप करके घृत से हवन किया जाता है। पांचवें दिन माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। माता स्कंद माता दुर्गा जी के पांचवें रूप की साधना पंचमी को की जाती है। सुख शांति एवं मोक्ष देने वाली माता है। पांचवें दिन का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताए नमः। इस मंत्र से एक माला जप करके घृत से हवन किया जाता है। छठा दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी माँ दुर्गा के छठे रूप की साधना षष्ठी तिथि को की जाती है। रोग शोक संताप दूर कर अर्थ धर्म काम मोक्ष को भी देती है माता। छठे दिन का मंत्र है ओम क्रीम कात्यायनी क्रीम नमः। इस मंत्र से एक माला जप करके घृत से हवन किया जाता है। सातवें दिन माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। माता कालरात्रि सप्तमी को पूजित माँ दुर्गा जी का सातवां रूप है। वे दूसरे के द्वारा किए गए प्रयोगों को नष्ट करती हैं। और सातवें दिन का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्राय नमः। इस मंत्र से एक माला जप करके घृत से हवन करें। आठवें दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है।
माता महागौरी। माँ दुर्गा के आठवें रूप की पूजा अष्टमी को की जाती है। समस्त कष्टों को दूर कर असंभव कार्य सिद्ध करती हैं माता महागौरी। आठवें दिन का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौर्यै नमः। इस मंत्र से एक माला जप करके घृत से या खीर से हवन किया जाता है। नौवां दिन माता सिद्धिदात्री। माता सिद्धिदात्री माँ दुर्गा के इस रूप की अर्चना नौमी को की जाती है। अगम्य को सुगम बनाना इनका कार्य है। नौवें दिन का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। इस मंत्र से एक माला जप करके जौ तिल और घृत से हवन किया जाता है तथा माता का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। माता दुर्गा के किसी भी चित्र की स्थापना कर यथाशक्ति पूजन कर नियत तिथि को मंत्र जपें और गौ घृत द्वारा यथाशक्ति हवन करें। तंत्र का नियम आदि किसी विद्वान व्यक्ति द्वारा समझ कर ही करें। जय माँ।